तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष और आप देख रहे हो टेक्निक का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए इंटरनेट के बारे में। आप बोलो कि नए इंटरनेट और ये पुराना इंटरनेट है क्या, तो इस वीडियो में मैंने सब कवर किया है, तो आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। और अगर आपको टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो वीडियो को प्लीज एंड तक देना, बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो ज्यादा समय आपका नहीं लेते हैं और करते हैं अपने वीडियो को शुरू। तो आपको मालूम हो कि अभी तक हम लोग जो भी यूज करते आ रहे हैं वेब पेजेस या वेबसाइट जो भी हमारी बनी हुई है वो HTML पे बनी हुई है, और ये HTML बेसिकली टिम बर्नर्स-ली नहीं बनाया था। और WWW जो कि एक सर्विस है जो कि इंटरनेट पे काम करती है, जिसे कि हम यूज़ करते हैं, एक्सेस करते हैं अपने वेब पेजेस को खोलने के लिए, वो भी टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। और जो हम लोग प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो भी टिम बर्नर्स-ली ने ही बनाया था। तो आपको शायद मालूम नहीं होगा कि सर टिम बर्नर्स-ली अभी तक अलाइव यानी कि अभी तक जिंदा है और आगे चलकर और भी कुछ नया लाने के लिए तैयार हैं। मतलब कि पहले उन्होंने ही HTML और HTTPS बनाया, आप बोल सकते हो बेसिकली उन्होंने ही इंटरनेट बनाया, क्योंकि HTML से ही वेब पेजेस और वेबसाइट्स बनती थी और अभी तक बनती आ रही हैं, जिससे कि अभी तक हम लोग करंटली यूज़ कर रहे हैं। और बोल सकते हो कि इंटरनेट बेसिकली वेबसाइट्स का ही कब्जा है, तो इंटरनेट उन्होंने ही समझिए आप पूरा तरह से बनाया। पर WWW यानी कि W3 और आपका जो इंटरनेट है वो बिल्कुल अलग है। WWW यानी कि WWW जो भी आप W3 बोलिए, तो एक सर्विस इंटरनेट पर काम करने की, जबकि इंटरनेट जो आपका है वो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर है जो कि एक साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे में कुछ फाइल एसोसिएट या सर्व कर पा रहे हैं। तो बेसिकली यही है इंटरनेट और यही है WWW3। तो पहले इन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया था HTTPS, जिस पर कि ज़्यादा हम लोग अभी तक ध्यान नहीं दिया। इसका बेसिकली काम ये था कि आपको जो भी कंटेंट मिल रहा है उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं किया जाए, बेसिकली आपको बिल्कुल फ्री कंटेंट मिले। पर अब आपको पता है फ्री कुछ भी नहीं है। आप सोच रहे हो कि आप कन्फ्यूज हो गए कि फ्री कैसे नहीं है, मैं फेसबुक चला रहा हूँ बिल्कुल फ्री, ट्विटर चला रहा हूँ बिल्कुल फ्री, यहाँ तक कि यूट्यूब चला रहा हूँ वो भी आपको बिल्कुल फ्री मुझे देखने को मिल रहा है, वीडियोस देखने को बिल्कुल फ्री में मिल रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको शायद ध्यान नहीं दिया होगा, आपने वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलती होगी। फेसबुक पे आप कुछ अपने मतलब कि न्यूज़ फीड पढ़ते होगे तो बीच में आपको ऐड आ जाती होंगी अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर एटसेट्रा कुछ भी साइट्स की। तो बेसिकली ये जो कंपनीज है वो इसी XYZ जो एड्स देके आपसे पैसे कमाते हैं। अब बोलो कि अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, चलो कुछ पैसे कमाने तो उनका भी तो कुछ भला होना चाहिए, उन्हें भी पैसे कमाने ही हैं, तो चलो पैसे कमाने में कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जैसे कि मान लो आपने कुछ शॉपिंग साइट्स पे सर्च किया है कुछ टी शर्ट्स, या फिर मान लो कुछ आपने फुटवेयर सर्च किए हैं, बेसिकली कोई भी शूज़ सर्च किया एडिडास या पूमा की, पर आप फिर उसे थोड़ी बार बंद कर देते हो और आते हो अपने फेसबुक अकाउंट पे, तो आपको ऐड दिखते हैं बिल्कुल वही एग्जैक्ट शूज़ की जो कि आपने थोड़ी पहले देखे हैं। तो आप बोलोगे कि फेसबुक वाले को कैसे पता चल गया, तो बेसिकली पता इस तरह से चला कि आपका जो भी XYZ शॉपिंग साइट था उन्होंने अपना वो डाटा, आपका जो डाटा था जो कि उसे अपने पास रखना चाहिए था, किसी को देना नहीं था, वो किसी और कंपनी यानी फेसबुक या ट्विटर को दे देता है और वो उसके हिसाब से ऐड दिखाता है, जिससे कि मे भी आप उस पर क्लिक कर दो और आप शायद वहीं से परचेस कर लो और वहाँ से उनको कुछ बेनिफिट्स हो जाएगा। तो बेसिकली यही था आप बोल सकते हो काम इन बड़ी बड़ी कंपनियों का। और इन बड़ी बड़ी कंपनियों कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हो, या इंस्टाग्राम हो, फेसबुक, ट्विटर हो, कोई भी XYZ कंपनी हो, सभी पे आपको ये सवाल उपलब्ध होंगे, इतने सारे अकाउंट हैक हो गए, इतने सारे डाटा लीक हो गया। बेसिकली इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने बेसिकली हमारा जो भी आप बोलते हो इन्फॉर्मेशन, जो भी डाटा हमारा है उसे सही तरह से प्रोसेस करके नहीं रखा, मतलब कि उसे इनक्रिप्ट सही ढंग से नहीं किया। क्या आपको मालूम है कि आप जो भी वीडियोज या अपलोड कर रहे हो यूट्यूब पे, आपका जो वीडियोज है वो इनक्रिप्ट किया गया है? चलिए यूट्यूब से हटते हैं, फेसबुक पे आते हैं। तो क्या आपको मालूम है कि आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड उसे बढ़िया से इनक्रिप्ट किया गया या नहीं किया गया है? आपको नहीं मालूम है, बस आप रिलाई करते हो कंपनी पे जिसका नाम फेसबुक या ट्विटर है, आप मान लेते हो कि हाँ उन्होंने ये हमारा डाटा है वो अपने अंदर सेव करके रखा है और सेव ही रखा है, तो आपको पता नहीं कि बेसिकली ये डाटा इनक्रिप्ट है या नहीं इनक्रिप्ट है। तो टिम बर्नर्स-ली ने सोचा कि चलो ये जो WWW और HTTPS में बहुत ज़्यादा कुछ डिमेरिट्स आ गई हैं, बहुत सारे लोग इसका गलत यूज़ कर रहे हैं और अच्छे लोगों और भले लोगों का बुरा कर रहे हैं, कि उन्होंने सोचा क्यों नहीं एक नया सा टर्म बनाया जाए। जैसे कि मैंने ही पहले बनाया था HTML और ये सब तो मेरे लिए आसान है, तो उन्होंने नया एक टर्म बनाया सॉलिड। अब सॉलिड आपको शायद सुनने में सॉलिड गैस लिक्विड वाला लग रहा है, पर वो वाला सॉलिड नहीं है, यहाँ पे ये सॉलिड है। तो सॉलिड का काम क्या है कि इसमें जो भी आप एसेस करोगे, मतलब कि आप कुछ सर्च ही कर रहे हो क्रोम पे, तो उसकी जो भी आपकी जो भी हिस्ट्री बनेगी वो हिस्ट्री आपकी लोकल पॉड्स में सेव होंगी। मतलब कि अभी तक आप जो भी सर्च करते थे हिस्ट्री आपकी आपके डिवाइस में सेव नहीं होती थी, वो सर्वर पे रहती थी। मतलब कि कोई आपको कुछ आप मोबाइल पर सर्च कर रहे हो क्रोम ब्राउजर में, आप चाहो तो अपने विंडोज़ में भी देख सकते थे। तो बेसिकली अगर जिसके पास आपकी ईमेल आईडी की है वो कोई भी आपकी हिस्ट्री को देख पा रहा था। तो अब क्या होगा कि अब पॉड्स कहने से क्या होगी, आप अपने डिवाइस में ही उसे रख सकोगे उस हिस्ट्री को, मतलब कि अब सर्वर का कोई झंझट ही नहीं, सर्वर के पास कुछ नहीं है।
अब आप सोचोगे कि अब ये मेरे ही अंदर मेरा ही डाटा बनेगा, मतलब मैं कुछ वीडियोज भी अपलोड कर रहा हूँ तो मेरे ही अंदर वीडियोज़ की फाइल बनी हुई है, तो कितने GB मतलब कितनी बड़ी बड़ी फाइल हो जाएगी और मेरी मेमोरी फुल हो जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने एक नया अल्टरनेटिव आप बोल सकते हो बनाया, उसके लिए उन्होंने सोच के रखा है। उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप चाहो तो इसे अपलोड कर सकते हो किसी सर्वर पर आपको पहले इसे इनक्रिप्ट करके ही अपलोड करना पड़ेगा। तो आपके हाथ में कि आप इनक्रिप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अगर आप नहीं करते तो वो आपकी गलती कहलाएगी। अब आप कंपनीज को ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने डाटा लीक करवा दिया या फिर डाटा बेच दिया दूसरी कंपनी को, एक मास ग्रुप का डाटा बेच दिया, ये सब आप नहीं बोल सकते हो। क्योंकि डाटा आप ही ने इनक्रिप्ट किया, आप ही का यूनिक पासवर्ड होगा, यूनिक पिन होगा, जो कि सर्वर को बिल्कुल भी नहीं मालूम, वो सिर्फ आपको ही मालूम है। और इससे क्या होगा कि आपकी डाटा जो है वो थोड़ी देर सिक्योर रहेगी और बहुत कम चांसेस, मान लो अगर 1 लाख में से 2% कहीं डाटा क्रैक या हैक हो सकता है मिडिलमैन अटैक्स या फिर कोई भी एक्सेट्रा आप बोल सकते हो, पर उसके लिए भी उन्होंने बहुत कड़ी प्राइवेसी लगा के ही रखी होगी। अब ज़्यादा कुछ मालूम नहीं, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी वो इस साल के एंड में ही लॉन्च होगी और आने के बाद ही पता चलेगा कि सॉलिड क्या है, सॉलिड ग्रिप पकड़ता भी है नहीं पकड़ता, या फिर गैस बन के उड़ जाता है, फॉग बन के उड़ जाता है। तो सॉलिड के बारे में बस इतना ही था। और तो और इन्होंने ये भी कैटिंग बनर्स ली के ट्वीट में ये भी पता चला है कि अब वो वर्ल्ड टूर करेंगे और सभी जगह जाके मेन मेन जो कंट्रीज वहाँ जाके डेवलपर्स को बताएंगे कि आपको किस तरह से ऐप डेवलप करना है, किस तरह से हम नया फेसबुक बनाना है जो कि इस पे काम करे, नया यूट्यूब की तरह कुछ अल्टरनेटिव बनाना है जो कि इस सॉलिड पे काम करे, जिससे क्या होगा कि आपके डाटा जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना नीचे। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, ऐसे ऑलमोस्ट मैंने सभी चीज़ें बता दी हैं, पर अगर आपको तभी कुछ और एक्स्ट्रा पूछना हो तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आपको मुझसे डायरेक्ट कुछ चैट करना हो तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, या फिर आप मुझे डायरेक्टली वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो। तो मे बी आपको हैंडल्स आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए हर हफ्ते इसी तरह के 2 वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग।